हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। 31 अक्टूबर को रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड का घेराव किया गया था। काफी समय बाद प्रशासन ने बसों को बस स्टैंड से निकालना चाहा, तो कर्मचारियों की तरफ से बसों पर पथराव शुरू कर दिया गया। बसों व उनमें बैठे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कर्मचारियों पर हल्का लाठीचार्ज किया। साथ ही करीब 15-16 कर्मचारी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। इस घटना को लेकर शनिवार को सर्व कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट व महासचिव सुभाष लांबा ने सरकार व प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए डीसी व एसपी के तबादले की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता और कर्मचारियों की सहमति के बिना निजी बसों को लाने का फैसला किया, जो जनहित में नहीं था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हड़ताल के दौरान भिवानी में जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष नहीं थी और कर्मचारियों पर कुख्यात अपराधियों जैसी धाराएं लगाकर मामले दर्ज किए गए। फोगाट ने बताया कि कल रोहतक में प्रदेश स्तरीय बैठक कर भिवानी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का फैसला किया जाएगा। जो प्रशासन के तौर पे निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, वो निश्चित तौर पे काफी खराब भिवानी के प्रशासन की भूमिका रही। हद तो तब हो गई जब प्रशासन ने धारा और मुकदमे ऐसे बना दिए जो खुखार अपराधियों के ऊपर बनाए जाते हैं, और यही बस नहीं की प्रशासन ने, इसके अतिरिक्त हमारे साथियों को ले जाके बुरी तरह से पीटा। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारी व जन संगठन जनता व कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, जिसका बदला लेने के लिए प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान करीब 150 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है, जबकि 700 बसें तो सरकार 144 करोड़ रुपए में ही खरीद सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे, जबकि सरकार ने इसके बाद भी 190 बसों के टेंडर जारी कर दिए। रोडवेज में हम ये कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति के तहत हम इन बसों को चला रहे हैं। हम उनसे बार बार पूछ रहे हैं, 18 दिन हड़ताल चली हमारी, कि पब्लिक कहाँ है। पब्लिक नहीं है कहीं भी। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करके हमने देखा कि 13 लाख रुपए का तो मतलब उनको इनकम होगी और 11 लाख का हमारे को घाटा होगा। अंदाजा लगा लो, 1.5 साल में उस बस की कीमत पूरी हो जाती है, और ये प्रूव करके हमने दिखाया। और 19 दिन की हड़ताल में मीडिया का आकलन है कि 150 करोड़ का नुकसान हो गया। 700 बसें तो 150 करोड़ के बजाय 144 करोड़ में जाती, नुकसान फालतू करा दिया। वहीं जनवादी महिला समिति के अध्यक्ष बिमला घड़गस ने आरोप लगाया कि हम धरने के बाद घर जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने दवा की दुकान से मेरा अपहरण किया और गिरफ्तार किया। बिमला ने आरोप लगाया कि जज ने भी आंख बंद कर हस्ताक्षर किए और जेल जाने के बाद प्रशासन के दबाव में जेल में उनसे शौचालय तक साफ करवाए गए। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में राष्ट्रपति के साथ महिला आयोग को शिकायत करेंगी। 30 और 31 को जनवादी महिला समिति भिवानी भी रोडवेज की जो जन सेवा है उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं था। 720 बसों का जो रद्द करवाने का मुद्दा था उसको लेके इनके साथ थी, रोडवेज के साथ। और सारी चीज खत्म होने के बाद हम घर पे वापिस आ रहे थे अपनी स्कूटी पे, तो मतलब इस तरह हमारा अपहरण किया गया। मतलब इस लोकतंत्र में ये सरकार की जो तानाशाही है, हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतना भी हो सकता था। कि और हम उसके बाद भी ये मानना है हमारा कि पुलिस का जो रवैया है वैसा ही जुडिशरी का रवैया रहा है, कि यहाँ से हमारे को उठा के रात के 12:30 बजे जब यहाँ पर लेके जा रहे हैं जज के पास, तो जज साहब ने भी आंख मीच के साइन करना शुरू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।